तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुंचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी ख़ास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमबेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन मायल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहां पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहा पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक, एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की, की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो

का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटेसी ड्रामा जॉनर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा से कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो so, बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात जा की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यू ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन मायल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन मायल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक, एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको तो इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन् हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है तो रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द तो ग्रीन माइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को तो देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को तो बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमबेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटास ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो so, बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी ख़ास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वालडिस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग होचिन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रूज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको 190 मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहां पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहां पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है, तो है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है, तो है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है डेविड टेटासॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रेंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को साथ में को ने भी किया है इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को, को, देख देख तो को, को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग होचिन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तो ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिचू के, रिचार्ड फ्रैंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन मायल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन मायल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है डेविड टेटास ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूज़िक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो so, बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि, कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन् हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा

का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी और टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक, एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमबेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहां पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहां पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार तो इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्ों ने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटेसी ड्रामा जॉनर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीमाइटोग्राफी की है डेविड टेटास ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यू मैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है है के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज़ देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द तो ग्रीन मायल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन मायल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाई जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन् हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनैटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल -टे ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको तो कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक, एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमबेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटास ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है है के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी ख़ास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होने डायरेक्ट किया है कि लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक <in vain> <grammar> डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात तो <है>।. की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग होचिन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रूज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहां पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहा पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रेंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को साथ में को ने भी किया है इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द तो ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने डेविड वालडस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की, तो की, की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिचू के, रिचार्ड ब्रूस ने म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा एंड तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन मायल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन मायल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि उन्होंने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात जा की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है

एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर नाइनटीन नाइन्टी नाइन में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग इस मूवी का आप आपको 190 मिनट देखने को मिल जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है। तो यह कोई बात हो गई थी ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है? उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिकल फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस मूवी के फैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे कि उन्होंने डायरेक्ट किया है कि लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉन् हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रोमवेल देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सीनेमाइटोग्राफी की है डेविड टैटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डार्क वुड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कोई बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो

का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनके एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी और टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात तो करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबॉन्ट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी को प्रोड्यूस किया है फ्रैंक डैराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं बॉनी हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुचिनसन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सैनमेटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की है तो इस मूवी का एडिट किया है रिचार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी है, है, के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को 60 मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसकी आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी सबसे पहले अगर जॉनर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी का जॉनर फैंटेसी ड्रामा मूवी है अगर आपको फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो आप जरूर से इस मूवी को देख सकते हो अमेरिका का फैंटेसी ड्रामा जॉनर है इस मूवी का एंड अच्छी स्टोरी आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिल जाती है डायरेक्टर फ्रैंक डेराबॉन्ट ने अच्छा काम किया है अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से द ग्रीन माइल का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको तो कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहां पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहा पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफी ओर टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस, इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा अच्छा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटासी ड्रामा जॉनर में बहुत ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम सो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में काफ़ी लोग द ग्रीन माइल मूवी को देखना पसंद करते हैं अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के अपडेट्स एंड मूवी के रिव्यूज़ आपके पास पहुँचते रहें अभी तक आपने अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना सो तो बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने द ग्रीन माइल मूवी को बनाया है एंड आपको बताने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे कि आपको द ग्रीन माइल मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह मूवी कितनी खास है क्या कुछ इस मूवी में कमी है वो फुल हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी के बारे में टीम के बारे में बात बात करेंगे कि कौन सी टीम ने बनाया है कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल मूवी में देखने को मिलेंगे किन्ों ने डायरेक्ट किया है किन्ने लिखा है एंड बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि कितना अर्निंग द ग्रीन माइल मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था तो फुल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है सबसे पहले डायरेक्टर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डराबोंट ने एंड इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है फ्रैंक डेराबोंट ने एंड प्रोड्यूसर की बात की जाए तो द ग्रीन माइल्ड मूवी को प्रोड्यूस तो किया है फ्रैंक डेराबोंट ने डेविड वाल्डेस ने एंड एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर आपको द ग्रीन माइल्ड मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं उसके आगे डेविड मॉर्स देखने को मिल जाते हैं हंट देखने को मिल जाते हैं माइकल क्लैर्क डूनकैन देखने को मिल जाते हैं जेम्स क्रॉम देखने को मिल जाते हैं माइकल जैटर देखने को मिल जाते हैं ग्राहम ग्रीन देखने को मिल जाते हैं डोंग हुन देखने को मिल जाते हैं सैम रॉकवेल देखने को मिल जाते हैं बैरी पेपर देखने को मिल जाते हैं साथ में आपको थोड़े बहुत को एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाते हैं उसके आगे तक ग्रीन माइल मूवी में सैनमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है डेविड टेटसॉल ने एंड एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है रिच चार्ड फ्रेंस रिचार्ड फ्रेंकिस ब्रूस ने एंड म्यूजिक इस मूवी का किया है थॉमस न्यूमैन ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के हैं कैसल रॉक एंटरटेनमेंट डाक वुड्स प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मूवी के वार्नर ब्रोज यूनिवर्सल पिक्चर्स एंड इंटरनेशनल पिक्चर्स एंड रिलीजिंग डेट की बात की है तो यह मूवी दस दिसंबर 1999 में रिलीज़ की गई थी एंड रनिंग टाइम इस मूवी का आप, आपको एक मिनट देखने को मिल जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप इस मूवी को देख सकते हो साथ ही में हिंदी वर्सन में भी आपको इस मूवी का देखने को मिल जाता है तो यह कुछ बात हो गई था ग्रीन माइल मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है उसकी आगे बात कर लेते हैं द ग्रीन माइल मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में सबसे पहले बजट की बात की जाए तो इस मूवी को सिक्सटी मिलियन डॉलर के लागत में बनाया गया था एंड बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन इस मूवी का दो सौ छियासी मिलियन डॉलर का रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है इतने कम बजट में बनी इस मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड अच्छी अर्निंग इस मूवी ने की थी तो उसके आगे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा तो

का स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है एक्ट्रेस ने भी अच्छा काम किया है जैसा कि लीडिंग रोल में टॉम हैंक्स देखने को मिल जाते हैं तो अच्छा आपको उनका एक्टिंग देखने को मिलेगा साथ में को एक्ट्रेस ने भी बढ़िया परफॉर्म किया है द ग्रीन माइल मूवी के मूवी में एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग दो सौ मिलियन डॉलर की अर्निंग की है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेमस मूवी है कितने लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं द ग्रीन माइल मूवी आपको तो कहाँ पर देखने को मिलेगी आप कहाँ पर इसको हिंदी वर्जन में देख सकते हो एंड इंग्लिश में कहाँ पर देख सकते हो तो सबसे पहले बात की जाए तो द ग्रीन माइल मूवी आपको यूट्यूब पर तो नहीं देखने को मिलती अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको ओर टी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा काफ़ी ओ री टी प्लेटफॉर्म है जिन पर आप इस मूवी को बड़े ही आसानी से देख सकते हो अच्छा मूवी है अगर आपको एक एंटरटेनिंग मूवी देखना है फैंटेसी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर से देखना बेस्ट क्लासिकल मूवी आपको लगने वाला है फैंटेसी ड्रामा जॉनर में बहुत ही ज़्यादा लोग इस मूवी के फ़ैन हैं सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नई मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम